हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो अपने पढ़ रहे थे सिंगल फेज मोटर के बारे में। किसके? सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज मोटर की अगर अपने बात करें तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको परमानेंट कैपेसिटर मोटर के बारे में पढ़ाया, यानी कि कैपेसिटर के आधार पर जो आपको मोटर बताई थी, यानी कि सिंगल कैपेसिटर मोटर, यानी कि एकल संधारित्र मोटर जिसे अपने कहते हैं, या दोहरा संधारित्र मोटर जिसे डबल कैपेसिटर मोटर कहते हैं, या परमानेंट कैपेसिटर मोटर जिसे स्थायी संधारित्र मोटर कहते हैं। तो मैंने आपको स्थायी संधारित्र मोटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। तो आज अपने बात करते हैं सिंगल कैपेसिटर मोटर और डबल कैपेसिटर मोटर। तो अपने बात करते हैं सिंगल कैपेसिटर मोटर, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, संधारित्र प्रवर्तन चल मोटर, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के नाम से अपने जानते हैं। तो अपने बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर या सिंगल कैपेसिटर मोटर, या फिर उसे संधारित्र प्रवर्तन चल मोटर भी कहते हैं। ठीक है, देखो एक चीज बता दूं, शायद पहले बताई है कि नहीं बताई, तो कुछ एक वर्ड है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। जैसे एक परिवर्तन, ठीक है, एक परिवर्तन, ठीक है, एक परावर्तक, प्रत्यावर्तक, ठीक है, ये कुछ वर्ड है। परिवर्तन का मतलब होता है स्टार्ट होना, क्या होना, स्टार्ट। परावर्तक का मतलब होता है स्टार्टर। परिवर्तन का मतलब होता है चेंजेस। प्रत्यावर्तक का मतलब होता है अल्टरनेटर, और एक होता है परिवर्तक। तो परिवर्तक का मतलब होता है कन्वर्टर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कहीं आप दिमाग में ये मत रखना कि परिवर्तन का मतलब तो चेंजेस होता है, तो ये चेंजेस क्या है। तो ये सीन को थोड़ा ध्यान में रखना कि परिवर्तन का मतलब स्टार्ट होगा, परावर्तक का मतलब स्टार्टर होगा, परिवर्तन का मतलब चेंजेस होगा, प्रत्यावर्तक का मतलब अल्टरनेटर होगा, परिवर्तक का मतलब कन्वर्टर हो गया। तो ये कुछ निम्बी लैंग्वेज की या हिंदी लैंग्वेज के जो वर्ड है, इन पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि शायद समझ ना आ रहे हो। तो क्या है कि अपने बात कर रहे थे संधारित्र प्रवर्तन चल मोटर यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की जो संरचना है स्टेटर और रोटर की, वो क्या है कि आपकी सेम किससे है, अपने परिवर्तन सेपरेट फेज मोटर की बांती का होती है, उस वही दो वाइंडिंग आपको बना के दिखाता हूं। यही एक रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। अब अपने अगर चेंजेस की बात करें तो चेंजेस क्या आएंगे कि जो आपकी परमानेंट कैपेसिटर मोटर थी उसके अंदर आपने जो कैपेसिटर जोड़ा था वो परमानेंटली जुड़ा रहता है, ठीक है, पर इसमें परमानेंटली जुड़ा नहीं रहेगा। अगर अपने बात करते हैं सेपरेट फेज मोटर और इस मोटर में, तो उस मोटर में क्या था कि कैपेसिटर क्या था आपका, नहीं जुड़ा था, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा था। तो सेंट्रीफ्यूगल तो मैं इसमें भी जोड़ूंगा, अपकेंद्रीय कुंजी तो मैं इसमें भी जोड़ूंगा, पर क्या डिफरेंस है कि उसमें कैपेसिटर नहीं था पर इसमें मैं कैपेसिटर जोड़ूंगा, ठीक है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ दिया, ये आपका कैपेसिटर लगभग 60 से 120 माइक्रोफेरड का होता है, ठीक है, और ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये आपकी रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। बस बात इतनी है कि इसमें थोड़ा स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, उच्च होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका रोटर, रोटर आपको बता ही दिया है, सेम वही केज प्रकार कह लो, गिलहरी पिंजरा प्रारूप भी कह लो, ठीक है। और आपका जो इसमें कैपेसिटर होगा यानी कि कुछ समय तक जुड़ना है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कह लो, चाहे इसे अपघटय प्रकार का कह लो, इलेक्ट्रोलाइट कह लो चाहे अपघटय कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। और अब अपने बात करते हैं कि इसमें जो अंतर है सेपरेट फेज मोटर या कैपेसिटर मोटर उसके अलावा, जो इस मोटर में अंतर इन दोनों में अगर अपने देखें तो क्या है कि इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, अधिक होगा। क्यों?
क्योंकि मैंने इसके अंदर स्टार्टिंग में कैपेसिटर जोड़ दिया, तो जो आपका फेज एंगल था वो कैसे वेक्टर डायग्राम बनेगा कि आपकी जो क्या है, एक बार बता दो, डबल कैपेसिटर मोटर और इस कैपेसिटर में लगभग जो आपका डायग्राम ये वेक्टर डायग्राम बनेगा एक सेम ही बनेगा। तो आपने रनिंग वाइंडिंग जो थी यहां पिछाड़ी पश्चगामी कर दी, या आप कह सकते हो लैगिंग होगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है कम होता है, पर इंडक्टेंस ज्यादा होने के कारण ये क्या होगी पश्चगामी होगी या लैग करेगी लगभग लगभग 70 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा कि आपकी जो स्टार्टिंग है उसके सीरीज में आपने क्या जोड़ दिया, कैपेसिटर जोड़ दिया, तो वो लैग करने की बजाय कैपेसिटर जुड़ने के कारण क्या करेगी, लीड करेगी। ठीक है, लगभग 20 डिग्री लीड करती है, 20 से 30 डिग्री कर जाती है, क्योंकि कैपेसिटर इसके अंदर थोड़ा ज्यादा मान का जोड़ा जाता है। तो ये क्या होता है कि जब लीड करती है तो ये यहां से क्या होता है, यहां से लगभग कुछ मान की तो पूर्ति करती है, यानी कि जितनी लैग वो होनी चाहिए थी उस मान की पूर्ति करके पहले यहां पहुंचती है, यहां से फिर आगे निकल गई, यानी कि कहीं ना कहीं कैपेसिटर ने इसे कैपेसिटिव लोड के ओर कन्वर्ट करने की कोशिश की। कन्वर्ट तो नहीं कर पाए क्योंकि इंडक्टिव लोड है, कुछ रेजिस्टेंस भी है। तो कहने का मतलब लगभग यहां होती थी, यहां से यहां तक लेके आई और यहां से इतने डिग्री आगे भी पहुंचा दिया। तो ये काम किसने किया जी, आपके कैपेसिटर ने। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, अच्छा होगा। कैपेसिटर किस प्रकार का होगा, इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का। मान लगभग क्या होता है 60 से 120 माइक्रोफेरेड। लगा कहां होता है, स्टार्टिंग के सीरीज में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसका काम क्या है या कैसे करेगा, वो आपको पहले भी बताया था कि मोटर आपकी अभी सेल्फ स्टार्ट तो थी नहीं, पर सेल्फ स्टार्ट करने के लिए आपने क्या किया, फेस सपरेट किया। फेस सपरेट होने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और आपने क्या किया, इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट किया। तो मोटर जब सेल्फ स्टार्ट होगी तो अपनी स्पीड जब पकड़ेगी तो क्या होगा, लगभग 70 से 75% जब स्पीड पकड़ लेगी अपनी मोटर, तो क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच सर्किट से क्या होगा, ओपन हो जाएगा। इस पे केंद्रीय बल लगेगा, इसके दोनों कंडक्टर खुलने से, ये ओपन सर्किट होने से क्या हो जाएगा, आपका कैपेसिटर हट जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग हट जाएगी, मोटर किस पे चलेगी, रनिंग वाइंडिंग पे। किस पे चलेगी, रनिंग वाइंडिंग पे। अब अगर अपन बात करते हैं कि डबल कैपेसिटर जो मोटर है उसमें क्या होगा, तो उससे पहले एक चीज दिमाग में रखें कि सप्लिट फेज मोटर में क्या था, सेंट्रीफ्यूगल हटते ही स्टार्टिंग वाइंडिंग हट गई, कैपेसिटर तो था ही नहीं ना, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग हट गई, मोटर रनिंग वाइंडिंग पे चली। परमानेंट कैपेसिटर पे कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच था नहीं, तो कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग तीनों काम करती थी। इस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल था और एक कैपेसिटर भी एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो कैपेसिटर और आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों रनिंग अवस्था में क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये आपके सामने है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है कि जो कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के किस क्रम में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज क्रम में ये जुड़ा होता है। ठीक है, DOR की बात करें तो स्टार्टिंग या रनिंग दोनों में से एक के सिरे चेंज करेंगे, स्टार्टिंग या रनिंग दोनों में से एक के सिरे चेंज करेंगे। अगर पहले डायरेक्शन इधर थी तो फिर इधर हो जाएगी, और कैपेसिटर के सिरे चेंज करने से नहीं होगी, सप्लाई के सिरे चेंज करने से नहीं होगी, और स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के सिरे चेंज करने से भी नहीं होगी। ये आपको पहले ही बताया था, अगर आपने इसकी DOR चेंज करनी है तो स्टार्टिंग या रनिंग दोनों में से एक के सिरे ही चेंज करने होंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए। अब बात करते हैं डबल कैपेसिटर मोटर की। किसकी, डबल डबल कैपेसिटर मोटर कह लो चाहे इसे दोहरा संधारित्र मोटर कह लो, चाहे इसे आप संधारित्र परिवर्तन संधारित्र चल मोटर कह लो,
चल का मतलब यहां रन है, क्या है रन है, या फिर आप इसे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर भी कहते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि मोटर के नाम से आपको अंदाजा लगता नहीं है, तो मोटरों के नाम सभी पता होना चाहिए तो अंदाजा भी लगेगा और आपका आंसर भी सही होगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल में हर एक नंबर का बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो अगर अपने इसके डायग्राम की बात करें तो कैसे बनेगा, आपकी वही आपने क्या कर दी, एक रनिंग वाइंडिंग कर दी, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डबल कैपेसिटर मोटर होगी, वो कैपेसिटर जो डबल मोटर है वो सिंगल कैपेसिटर और डबल कैपेसिटर दोनों मोटरों का क्या है, योग है, यानी कि सिंगल कैपेसिटर डबल कैपेसिटर और तीनों तीसरी परमानेंट कैपेसिटर, यानी कि क्या होगा कि परमानेंट कैपेसिटर में एक कैपेसिटर सदा जुड़ा रहता है तो वो काम भी इसमें होगा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या था कि एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में जुड़ा था, रनिंग में हट गया था, वो काम भी होगा, और परमानेंट में स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा जुड़ी रही थी तो वो काम भी होगा। तो कैसे होगा इस पर थोड़ा देखते हैं। आपने एक कैपेसिटर जोड़ दिया और इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर जोड़ के क्या कर दिया, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ दिया। ठीक है, इसको मैं नाम देते देता हूं C1, इसे दे दिया C2, ये आपका होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब बात करते हैं, हुआ तो ये मिक्सर ना तीनों मोटरों का, दोनों मोटरों का। अब अपने बात करते हैं, ये आपकी रनिंग वाइंडिंग, ये आपके मेन सप्लाई सिरे, ये आपकी क्या होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये आपके दो कैपेसिटर और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट है उन्हें समझें। यदि पूछा जाए कि दोनों कैपेसिटर आपस में किस क्रम में संयोजित होते हैं, तो परस्पर वो समांतर क्रम में संयोजित होंगे, ये आपको पता होना चाहिए पहली बात। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों कैपेसिटर सप्लाई के किस क्रम में है, तो समांतर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए कि समांतर में ही क्यों संयोजित किए गए, क्योंकि समांतर में क्या होता है C1 प्लस C2 हो जाता है, कैपेसिटेंस जुड़ जाती है, और इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत अच्छा होता है, रनिंग टॉर्क का 300% तक होता है, और ये अपने जो 100% इसका लोड होता है कुल, यानी कि कुल लोड का 125% तक लोड उठा सकती है। C1 जो आपका होगा, C1 यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल ओपन होने के बाद हट जाएगा, वो आपका जो C1 है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा मान का होता है, और C2 जो हमेशा जुड़ा रहेगा वो कम मान का होगा। अगर अपने बात करते हैं कि इनका मान होगा कितना, तो क्या होगा, ये होगा जो C1 वो 2 से 4 माइक्रोफेरेड, C2 10 से 20 माइक्रोफेरेड का होगा। ठीक है, अब अगर अपने बात करें कि C1 और जो C2 है वो किस प्रकार के होंगे, तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो लंबे समय तक जुड़ेगा, यानी कि C2 जो लंबे समय तक जुड़ेगा वो अलग मान अलग प्रकृति का होगा। ठीक है, और जो C1 है जो हट जाएगा वो अलग प्रकृति का होगा। तो C1 जो हट जाएगा उसे अपने अप घट्य प्रकार का या इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का, और जो कैपेसिटर इसके अंदर सदा जुड़ा रहेगा वो आपका क्या होगा, पेपर टाइप होगा। क्या और सा पेपर टाइप होगा, ये आपकी क्या है डबल कैपेसिटर मोटर। तो ये कुछ मेन बातें थी, आप इन्हें समझ गए हो। लोड पे भी ये मोटर स्टार्ट हो सकती है अच्छे से, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या है उच्च है, बाकी लोड आपको बता दिया 125% तक उठा सकती है। ठीक है, कार्यप्रणाली वही है, जब इसके अंदर आप सप्लाई दोगे फेस सप्लिट होंगे, वेक्टर डायग्राम वही बनेगा कैपेसिटर मोटर वाला, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है कि इसके अंदर एक कैपेसिटर जो है वो और दूसरा कैपेसिटर है जो वो, दोनों ही कैपेसिटर परस्पर समांतर क्रम में होकर इस सर्किट में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़े होंगे,
और जब क्या होगा आपकी मोटर 70 से 75% स्पीड पकड़ लेगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका क्या हो जाएगा, ओपन होगा, या आपने कह सकते हैं अपकेंद्रीय कुंजी जो है उस पर अपकेंद्रीय बल लगने के कारण, अपकेंद्रीय बल जो होता है वो गति पे डिपेंड करता है, गति बढ़ेगी तो अपकेंद्रीय बल बढ़ेगा, जब अपकेंद्रीय बल आपका बढ़ जाएगा तो इसके कॉन्टैक्टर ओपन हो जाएंगे और आपका C1 जो ज्यादा मान का संधारित्र था जो कि अपघटय प्रकार का था जिसे इलेक्ट्रोलाइट टाइप कहते हैं वो हट जाएगा और आपकी मोटर जो है वो C2 यानी के इलेक्ट्रोलाइट टाइप का ना होकर पेपर टाइप का जो था वो परमानेंट इसके अंदर जुड़ा रहेगा। बात इतनी आपने दिमाग में रखनी है। उसके अलावा अगर देखते थे सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर खुला तो करंट का रास्ता ये है, ये सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, C1 हट गया, मोटर लास्ट में क्या बन जाएगी, एक परमानेंट कैपेसिटर की भांति कार्य करने लग जाएगी, यानी कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या था, उच्च हो गया C1+C2। अब इसके अंदर जो होने वाले कुछ द्विधाएं हैं उनके बारे में देखते हैं, फिर आपको इसके उपयोग बताए जाएंगे, ठीक है। तो द्विधाएं जो आपके सामने आएंगी, जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी वो क्या आएंगी, सभी मोटरों के एक बार देख लेते हैं। ये आपकी रनिंग होगी, या आपकी स्टार्टिंग होगी, या आपकी परमानेंट कैपेसिटर मोटर होगी, कैपेसिटर मोटर होगी, डबल कैपेसिटर मोटर होगी, यानी कि ये सिंगल, यानी कि ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर होगी, ये सिंगल कैपेसिटर मोटर होगी, ये आपकी डबल कैपेसिटर मोटर होगी। वही इसके अंदर रनिंग है, वही स्टार्टिंग है, रनिंग है, स्टार्टिंग है, रनिंग है, स्टार्टिंग है, डबल कैपेसिटर दो जोड़ दिए, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ दिया, ये सिंगल कैपेसिटर मोटर में वही रनिंग है, वही स्टार्टिंग है, वही स्टार्टिंग सीरीज में कैपेसिटर जोड़ दिया और साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ दिया। परमानेंट के बारे में आप जानते ही हो, कोई इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता नहीं है और आपका क्या होगा, इसके अंदर एक कैपेसिटर जो है हमेशा जुड़ा रहेगा। अब बात ये है, क्वेश्चन जो बढ़ेंगे वो समझना, कैपेसिटर के आधार पर ओपन हो, शॉर्ट हो, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दो, ओपन हो या शॉर्ट हो, कम मान, ज्यादा मान, दो क्वेश्चन। तो पहले ही बता दूं, ओपन हो शॉर्ट हो मोटर नहीं चलेगी, ओपन हो शॉर्ट हो मोटर नहीं चलेगी। कम मान का होगा, क्या होगा, कम मान का यदि होगा तो इसके अंदर अगर बात करें कम मान का होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अधिक मान का होगा, अधिक मान का होगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है इसके अंदर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि XC=1/2πfC और जो इसका कैपेसिटेंस है आपने अधिक मान का लगा दिया तो ये कम होगी और इसके अंदर ड्रॉपेज कम, तो बची ड्रॉपेज जो कम होने के कारण वोल्टेज ज्यादा इसको मिलेगी तो इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो जलने की संभावना है। इसके अंदर क्या होगा, वही सेम कंडीशन होगा, अधिक मान का होगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग जलने की संभावना, और कम मान का होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क जलने की संभावना है, ठीक है। अगर अपने बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच की, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर आपका ना ओपन हो तो कैपेसिटर ये जल जाएगा, फिर उसके बाद संभावना रहती है स्टार्टिंग वाइंडिंग जलने की। पहली बात तो आपको अभी बताया, ओपन हो या शॉर्ट हो तो क्या होगा, मोटर चलेगी नहीं, यानी कि अगर ये ओपन शॉर्ट होगा तो मोटर चली नहीं, और शॉर्ट हो ही रहा है तो क्या होगा, मोटर चलने की संभावना नहीं है क्योंकि ये जल जाएगा। अगर कुछ संभावना रहती है तो आपको क्या है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जलने की रहेगी संभावना। अगर अपने बात करें डबल कैपेसिटर मोटर में तो क्वेश्चन क्या बनेंगे, अगर मैं C1 & C2 को सीरीज में जोड़ूं तो क्या होगा, अगर मैं C1 और C2 आपस में बदलूं तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम ना करे, काम न करे, या अपने कहते काम करे पर अपनी
उसी अवस्था में ना आए तो क्या होगा। कहने का मतलब अगर सेंट्रीफ्यूगल का उसी अवस्था में ना आना या काम ना करना है तो वो लगभग सेम है। इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर काम ना करेगा तो ये कैपेसिटर आपका जल जाएगा। अगर अपने बात करें कि C1 और C2 को मैं सीरीज में जोड़ दूं तो क्या होगा, पहले समांतर में जुड़े थे तो C1 प्लस C2 क्या थी, जुड़ रही थी तो कैपेसिटेंस तो थी, अच्छी थी, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा था। मैंने इनको सीरीज में जोड़ दिया तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, कैपेसिटेंस आपकी कम हो जाएगी, स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैं आपका C1 और C2 को आपस में बदल दूं तो क्या होगा, तो ये कैपेसिटर इधर कर दूं, ये कैपेसिटर इधर कर दूं तो क्या होगा। जब मैं ज्यादा मान का कैपेसिटर लगा दूंगा तो आपको पता है एकदम कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आपकी इस वाइंडिंग में जाने वाली जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो संभावना आपको पता ही है क्या होगी। अगर अपने बात करें कि अगर मैं इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, किसी भी स्टार्टिंग के सीरीज में ना लगा के रनिंग के सीरीज में लगा दूं तो क्या होगा, तो स्टार्टिंग से हटा के रनिंग के सीरीज में लगा दोगे तो रनिंग के बीच में ड्रॉपेज होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो सप्लाई के सीधा पैरेलल में आ जाएगी और उसके सीरीज में ड्रॉप करने वाला भी कुछ नहीं है, तो क्या होगा, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जलने की संभावना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ द्विधाएं थी जो आपके सामने आ रही थी। और एक छोटी सी चीज और रह गई थी आपकी इस मोटर की, डबल कैपेसिटर की, इसके यूजेस कहां होते हैं, तो आपका रेफ्रिजरेटर, एसी यानी एयर कंडीशनर जिसे आप वातानुकूलित कहते हो, ठीक है, इसके अलावा आपका हो गया कंप्रेसर, कंप्रेसर जिसे आप हिंदी में संपीड़क बोलते हो, क्या बोलते हो, संपीड़क बोलते हो, यानी कि संपीड़न करता है, कंप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। फ्रिज में भी संपीड़क लगा होता है आप जानते हो, और एसी में भी संपीड़क लगा होता है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में आज आपको क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।